भाई मैं हूँ आशीष शौकीन। बहुत दिनों के बाद आज हम करने जा रहे हैं ग्रैंड विटारा की टेस्ट ड्राइव, और ये जो टेस्ट ड्राइव होने वाली है ये आपकी होने वाली है नॉर्मल वाली, यानी जिसे हम कहते हैं माइल्ड हाइब्रिड, उसकी एक टेस्ट ड्राइव होने वाली है। तो सेम इंजन आता है वही अपना जो ब्रेजा के अंदर आता है, 103 BHP वाला, 137 Nm टॉर्क, 1500 cc इंजन। तो देखते हैं कि इसको चला के क्या इसकी फीलिंग आती है, कैसा ये चलता है। एंड सेकेंडली, हाइब्रिड की अगर टेस्ट ड्राइव आपको पता हो कि कहाँ पे अवेलेबल, आप मेरे को बता सकते हो, या किसी भाई ने परचेज कर रखी हो तो बता सकते हो, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि हाइब्रिड वाली परचेज करें लेकिन उसकी टेस्ट ड्राइव नहीं मिल रही। मैं ये ना हो कि यार खरीदने के बाद इतना बड़ा पछतावा हो जाए कि यार ये भागती नहीं है या फिर कोई दिक्कत है गाड़ी के अंदर, वो मेरे को नहीं होना चाहिए। तो एक बार गाड़ी की स्टेबिलिटी वगैरह चेक करने के लिए, गाड़ी कैसी मतलब मस्कुलर लगती है या नहीं लगती या कैसी फीलिंग आती है, वो सब चेक करने के लिए अभी हम सिर्फ नॉर्मल वाले इंजन का टॉप वेरिएंट खड़ा होगा, उसकी हम टेस्ट ड्राइव करने वाले हैं। तो काफ़ी इंतज़ार के बाद हमारी गाड़ी आ गई है, तो चलते हैं इसको टेस्ट ड्राइव करते हैं और देखते हैं कि क्या इसकी क्वालिटी है। बाकी मैं आपको डोर का बता देता हूँ, अगर डोर को खींचते हैं ना तो होंडा WRV से भी थोड़े से हल्के लग रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन अंदर की क्वालिटी वगैरह देख लो, ये सब ठीक है। अब इस वाली वीडियो में हम स्पेशली बात करने वाले हैं ड्राइविंग के बारे में, तो अंदर चलते हैं। और निखिल क्या हाल है? मैं बढ़िया हूँ भैया। अब एक बात बताओ, गाड़ी तो हमने बुक करा थी, अब उसकी डाउन पेमेंट के पैसे कहाँ से आएंगे? डाउन पेमेंट की टेंशन नहीं है, आज तेरे को नहीं पता, चल आजा मैं बताता हूँ। ये देख, मैं तेरे को आज एक जबरदस्त एप्लीकेशन के बारे में बताता हूँ जिसका नाम है विक्टर ऑप्शन, और ये घर बैठे इससे आप पैसे बना सकते हो। अच्छा, प्ले स्टोर पे भी ये इजीली अवेलेबल है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। 1 million से ज्यादा इसके यूजर्स है, वो भी एक्टिव वाले, और बहुत सारे एसेट इसमें आपको मिलते हैं ट्रेडिंग करने के लिए, लाइक US डॉलर या फिर यूरो या क्रिप्टो। और हाँ, सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि आप 100 rupees से इसमें अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे देख 100 rupees अपने डिपॉजिट कर दिए और मैं ट्रेड करना स्टार्ट करता हूँ। और इसमें दो ऑप्शंस आते हैं, एक आता है रेड बटन और एक आता है ग्रीन बटन। जैसे ही तेरे को लगता है कि ग्राफ ऊपर जाने वाला है तो ग्रीन पे क्लिक कर सकता है, तेरे को लगता है रेड पे जाने वाला है तो तू रेड पे क्लिक कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम देखते हैं कि जैसे ये ग्राफ चल रहा है, मेरे को लगता है कि ऊपर जाने वाला है तो मैं ग्रीन पे क्लिक करता हूँ और वेट करते हैं, देखते हैं लॉस होता है प्रॉफिट होता है। ये देख, यस देख, मेरे को 35 rupees का प्रॉफिट हुआ है यहाँ पे। और सबसे अच्छी बात इस ऐप की यह है कि प्रॉफिटेबल अमाउंट को तू कैसे भी अपने बैंक अकाउंट के अंदर इजीली विड्रॉ भी कर सकता है या फिर पेटीएम में भी कर सकता है। तो देर किस बात की, तू भी डाउनलोड कर इस बढ़िया सी विक्टर ऑप्शन ऐप को और डेली पैसे कमा बहुत सारे। और आप लोग भी, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। तो अभी जो हम इसको चला रहे हैं, थोड़ी सी सर्विस लेन के अंदर चला रहे हैं, लेकिन जो मतलब यार मेरे को जो लग रहा है अभी तक फर्स्ट इम्प्रेशंस, वो ये है कि इसके अंदर आपको सॉफ्ट सस्पेंशन काफ़ी मिलता है। मारुति की बेस्ट सस्पेंशन वाली कार आप कह सकते हो, और वो मेरे को लग भी रहा है चलाने के अंदर कि आपको बिल्कुल भी फील नहीं होता कि आपको कोई गड्ढे जर्क वगैरह ऐसी कोई फीलिंग हो। और ऊपर से जो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है वो तो है ही भाई, 210 mm, जो कि बेस्ट इन क्लास है। इससे बढ़िया ग्राउंड क्लियरेंस कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, बहुत बढ़िया ग्राउंड क्लियरेंस इसके अंदर आपको मिल जाती है। हालांकि ये जो स्टेयरिंग व्हील वगैरह है ये सब लाइट है, बहुत लाइट है, मतलब अगर आप कंपेयर करते हो VW वगैरह से तो स्टेयरिंग व्हील आपको बहुत लाइट मिलेगा। इसको आप कैसे भी अपना, अब ये जो हम चला रहे हैं इसको चला रहे हैं, ऑटोमेटिक वाला वर्जन है आपका, तो ये आता है आपका टॉर्क कन्वर्टर, और इसके अंदर आपके आते हैं 6 gear। तो जैसे इसको अभी आज जाम लगा हुआ, आगे आप पी पे लगा दो, हमने पी पे लगा दिया, अब पीछे कर रहे हैं आगे कर रहे हैं, उसको लग रहा है पीछे वाले को कि हम रिवर्स कर रहे हैं, बट नहीं, हम पी पे लगा रहे थे उसे। अब ये देखो जैसे चलाते हैं कुछ स्पीड तक आपका ये 360 डिग्री कैमरा एक्टिव रहेगा। अभी इसके अंदर थोड़ी सी रेजोल्यूशन का फ़र्क आ रहा है, कैमरे में कैप्चर नहीं हो पा रहा, फ्रंट इसके अंदर एक्टिव है। और अभी यहाँ से एक यू टर्न लेते हैं, फिर देखते हैं इसको थोड़ा चला के। बाकी जो इंजन स्पेक्स वगैरह है वो तो भाई मैंने आपको बता ही दी है, 103 BHP है, कोई इतनी ज़्यादा फील तो नहीं होती, और ऊपर से ऑटोमेटिक तो थोड़ा सा लेथार्जिक वाली फीलिंग तो आएगी, बट अगर मैनुअल होता तो कुछ कंट्रोल्स अपने हाथ के अंदर भी होते, बट इसके अंदर कोई कंट्रोल नहीं है। हालांकि इसके अंदर मैनुअल है ना, ये मैनुअल पे शिफ्ट करके जान, जान। और पैडल शिफ्टर्स मिल जाते हैं। हाँ, पैडल तो ऑन द गो इसको चेंज कर सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल, मतलब चलते चलते इसको मैनुअल पे करके। बिल्कुल, तो ये देखो भाई, मैनुअल का मजा लेना है तो आप इसके पैडल शिफ्टर्स को यूज कर सकते हो। अभी सेकंड गियर लगा हुआ है, मैंने यहाँ से एक बार माइनस दबाता हूँ तो फिर आपका क्यों नहीं हुआ नीचे, इस साइड प्लस होगा, उस साइड माइनस होगा ना। अच्छा नहीं, माइनस ही करना था ना, लेफ्ट साइड। हाँ, तो माइनस इधर से करना पड़ेगा आपको, ये वाला। अच्छा अच्छा, ये रहा नीचे की तरफ। ये अपने भोलेनाथ के गाने चल गए बीच में, कोई नहीं। अब ये देखो फर्स्ट पे ही चल रहा है ये, क्योंकि मैंने मैनुअल कंट्रोल पकड़ लिया, थोड़ा जाम लगा हुआ है यहाँ पे, खुली रोड नहीं है, यहाँ से लेफ्ट ले लेंगे। ठीक है, काफी जाम लगा हुआ है, संडे मार्केट लग गया क्या ये? हाँ, लग रहा है। हाँ, गलत रोड पे आ गए हम लोग,
यहाँ पे तो टेस्ट ड्राइव नहीं, टेस्ट स्ट्रेस हो रहा है यहाँ पे। मतलब गाड़ी की आगे से देखो ना, रॉन्ग साइड आए जा रही है दुनिया, क्या करे, रॉन्ग साइड तो आना ही पड़ेगा, उधर की रोड बंद है बिल्कुल ही। तो मैं ये दिखा रहा हूँ आपको, एक तरफ प्लस का मिल जाता है, एक तरफ माइनस का मिल जाता है। बट मेरे को जो एक चीज़ इसकी थोड़ी, देखो अजीब तो कुछ भी लग सकता है, वो ये लगा कि यार इसके अंदर नॉर्मल जो आपका माइल्ड हाइब्रिड है, इसके अंदर आपको पैडल शिफ्टर्स मिल जाते हैं, और जो इसका स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाला वर्जन है उसके अंदर आपको पैडल शिफ्टर्स नहीं मिलते। तो ये बड़ा अजीब लगा यार। मतलब टॉप वो अगर आप 22-23 लाख रुपए खर्च कर रहे हो अल्फा प्लस के लिए, तो उसके अंदर आपको नहीं मिल रहे, लेकिन ये आपका अल्फा है और ये प्लस वाला वेरिएंट नहीं है क्योंकि ये आपका नॉर्मल वाला इंजन है, तो इसके अंदर लेकिन आपको सारे पैडल शिफ्टर्स वगैरह सब कुछ इसके अंदर प्रोवाइड हो जाता है। हॉर्न आप सुन सकते हो, हॉर्न वही टिपिकल मारुति है, ड्यूअल हॉर्न है। अगर किसी को चेंज करवाना हो तो अपना इसको आप ट्रम्पेट वाला भी करवा सकते हो बाहर से इजीली। और अभी थोड़ी सी खुली रोड आएगी वहाँ पे मैं चला के देखूँगा इसको, लेकिन जो मेरे को फर्स्ट इंप्रेशन से अच्छे हैं। और मैनुअल में है तो इसलिए गियर चेंज नहीं कर रही, तो इसको गियर चेंज करवाओ भाई, नीचे से पकड़ो इसे, गियर चेंज यहाँ से ऐसे होता जाएगा। अब ये देखो दो लग गया, दो के बाद यहाँ से आपका तीन भी लग जाएगा, तो ये ठीक है। पर मैनुअल पे क्या ही चलाना यार, डी पे ही कर देते हैं, अपने आप काम करने दो गाड़ी को, हम नहीं करेंगे कुछ मेहनत, जब ऑटोमेटिक है तो इसी को ही करने देते हैं ना, हम लोग क्यों मेहनत करें। बाकी मेरे को जो एक इनिशियल इंप्रेशन है उसके अंदर ये भी बता देता हूँ, क्रेटा से ये बड़ी है, चाहे हाइट हो, चाहे लेंथ हो, चाहे इसकी विड्थ हो, तीनों एस्पेक्ट्स में ये क्रेटा से बड़ी है। लेकिन अभी इतने ट्रैफिक के एरिया से निकल के आया, ऐसा लग रहा है भाई कि अपना कोई नॉर्मल सब कॉम्पैक्ट एसयूवी चला रहे हैं। हालांकि ये उससे बड़ी है, लेकिन चलाने में बहुत ही बढ़िया फील होती है, और जो इसकी मैन्युवलिटी है बहुत ही बढ़िया, आराम से कंजेस्टेड एरिया में से निकल जाती है, और स्टेयरिंग इतना लाइट है तो वहाँ पर तो कोई भी इशू आने नहीं वाला। और बाकी राइड क्वालिटी तो मैंने आपको बताई दी, बहुत बढ़िया है, और मारुति वाली ही फीलिंग आती है यार। मतलब 10-20-22 लाख रुपए देके आपको वो वाली फीलिंग नहीं आने वाली कि आप कोई बहुत बड़ी या फिर महंगी गाड़ी चला रहे हो, वो मारुति वाली ही फीलिंग आने वाली है आपको। लेकिन बोनेट वगैरह मैं दिखा देता हूँ, ये मेरा आई लेवल है अभी जो आप देख रहे हो, ये सामने से आपको बोनेट वगैरह पूरा विजिबल है, यहाँ पे आपको डीप काफ़ी विजिबल है, आपको जिसका डेड एंड है वो भी अच्छे से विजिबल हो जाता है, और मेरी जो हाइट है वो अभी ऊपर नहीं कर रखी, नीचे की तरफ है। और बाकी इसकी लुक्स वगैरह के तो यार लोग दीवाने है ही, मतलब हाई राइडर से तो बहुत अच्छी लुक्स लगती है इसकी, लोग इसीलिए इसके ऊपर ज़्यादा जा रहे हैं, 75,000 बुकिंग इसकी ऑलमोस्ट हो चुकी है, तो वो बहुत बढ़िया लगता है मेरे को। और बाकी अभी इसको चला रहे हैं भाई, अब कोई खाली रोड ही नहीं मिल रहा द्वारका जैसे एरिया में, तब भी रोड नहीं मिल रहा, देखते हैं अभी कोई खाली रोड आएगी तो एक बार थोड़ा सा चला के देखते हैं अच्छे से। अब ये देखो जैसे इसमें कोई भी आपको फॉग लैंप वगैरह नहीं मिलेगा, बस एक आपको नॉर्मल ऊपर हेडलैम्प मिलेगा जो आपकी फॉग लैंप के जगह पे ही अभी अंधेरा है। ये हमने किया इसका लो बीम और ये इसका हाई बीम, ये देखो तो ठीक है, मेरे को कोई ऐसी ज़रूरत भी नहीं लग रही फॉग लैंप की, क्योंकि इसकी जो पोजीशन है काफ़ी नीचे की तरफ है। तो सर्कल से राइट ले ले भैया, तो सर्कल से राइट लेते हैं जिधर आपको बेटर लगे भाई। ये चीज़ अच्छी हो गई मारुति की तरफ से, मैं आपको सच बताऊं, पहले मारुति वाले पता क्या करते थे भाई, बोलते थे कि नहीं भाई इतना ही आपका सर्कल है टेस्ट ड्राइव का, इससे ज़्यादा दूर नहीं जाना। बट अब एकदम वो हो गया है कि यार आप खुल के चला सकते हो, यार देखो इंसान गाड़ी ले रहा है तो चला के तो देखेगा ही एटलीस्ट। ये लो भाई पंजा पूरा दाब दिया मैंने, तो टाइम तो लगाती है चढ़ने में, सस्पेंशन गजब है भाई, सस्पेंशन गजब है, अल्टीमेट सस्पेंशन है। खाली रोड ही नहीं मिल रही मेरे को तो, इधर मिलेगी राइट, थोड़ीगा नहीं, हाँ राइट लेंगे, थोड़ीगा नहीं, अच्छा रेड लाइट है ना, हाँ रुक गए हैं, राइट पे जा रहे हैं, बुला ले हो तो, तेरा तो भैया ने गाड़ी ये एवरेज आपको क्या देती है भैया, एवरेज वगैरह बता रही है अभी, एवरेज बताएगी मेरे को, कहाँ से आ रहा है एवरेज का देखते हैं जरा, यहाँ से लेफ्ट ले लो भैया, दिल ले रहा हूँ रुक जा, खाली खाली, अच्छा ये टॉर्क पावर का, ब्रेक आपने कब किया, एक्सेलरेट कब किया, ये सारी चीजें दिख रही है। अभी मैंने ब्रेक छोड़ दिया तो वो भी दिखा रहा है यार, काफी फीचर्स है। लेफ्ट लो यहाँ से, सीधा ले लीजिए, क्या हुआ, क्या हो गया, ये पीछे एकदम इधर, वो तो कोई नहीं यार, दुनिया चल रही है हमको क्या। ये देखो जैसे एक्सेलरेट कर रहे हैं ना तो फिर वो भी पूरा लिखा आता है, तो सारी ये इंजन मोटर बैटरी यार काफ़ी मतलब इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। हालांकि ये टेस्ट ड्राइव व्हीकल है ना, तो एवरेज अभी दिखा रहा है 7 की, ठीक है यार टेस्ट ड्राइव के हिसाब से, जो भी टेस्ट ड्राइव करता है पंजा दबा के ही देखता है, ऐसा नहीं करता कोई भी कि भाई थोड़ा सा चला लिया और फिर उसके बाद बंद कर दिया हो, तो जो भी चलाता है अच्छे से चलाता है। इसकी अगर 7 है तो फिर मेरे ख्याल से उसकी तो यार मिलनी चाहिए ढंग की एवरेज। व्हील स्पिन वगैरह कुछ नहीं है इस गाड़ी के अंदर,
वो कंट्रोल हो जाते हैं बिल्कुल। ऊपर से हमने यहाँ पे ट्रैक्शन वगैरह भी ऑन कर रखा है, अभी मैं दिखा देता हूँ, ट्रैक्शन ऑफ करके भी देख लेते हैं। गाड़ी एक बार रोक देते हैं, ये गाड़ी रोकी, इसको लगाया हमने पी के अंदर, ट्रैक्शन का बटन दबाया। इसका डिस्प्ले कहाँ है ट्रैक्शन का? ट्रैक्शन का डिस्प्ले वहीं आएगा, दबाओ। पी पे है ना? हाँ पी पे है, ड्राइव मोड पे डालिए। अच्छा डी पे डालो। लो हाँ, क्यों नहीं रहा इसका? ये तो ऑटो का वो हो गया, ये जो ए का दबा है कि भाई अपने आप गाड़ी बंद हो जाए रेड लाइट वगैरह पे। आना चाहिए था। कहाँ आता है? वही आता है, ऐसे जिग-जग इस, इसमें तो नहीं आता नहीं, ना नहीं, नहीं, नहीं। ये देखो यहाँ पे पूरी डिटेल वगैरह दिख जाती है, जिसको वहाँ पे फ्यूल एफिशिएंसी नहीं दिखी वो यहाँ पे देख सकता है। 6.7 मिल रहा है, ड्राइविंग रेंज 27, पेट्रोल कम ही है तो आ नहीं रहा यार यहाँ पे। चलो कोई बात नहीं यार, हो जाता कभी कभी किसी गाड़ी में, हो सकता है सेटिंग ऑफ हो या कुछ हो। हाँ बाकी वो आ तो रहा है। अच्छा वो यहाँ पे मेरा है ना, ये स्टीयरिंग का वो जुड़ गया, दिखाई नहीं दे रहा था। हाँ एकदम कोने में आ रहा है, वो लॉन्ग प्रेस पे आता है। By default, जब भी इंजन ऑन करोगे वो ऑन ही मिलेगा ना वो। हाँ लॉन्ग प्रेस है भाई, बहुत लंबा, मतलब कम से कम 3 सेकंड इसको 4 सेकंड प्रेस करना पड़ेगा तभी जाके वो वहां से हो रहा है। बाकी यहाँ पे व्यू जैसे ही आप दबाते हो ना तो इसके व्यू से आपके 360 डिग्री का पूरा दिख जाता है कि कहाँ पे कौन सा इसका व्यू आ रहा है, लेफ्ट राइट वगैरह सब कुछ। तो एक बार इसको देखते हैं, थोड़ी सी व्हील्स फील कराने की कोशिश करते हैं, बट आई डोंट नो, व्हील स्पिन तो नहीं हो रही, बट ठीक है, बढ़िया है यार। मारुति के इंजन होते ही ऐसे हैं कि रेव करते जाओ और सस्पेंशन वगैरह तो यार जब भी ब्रेकर आ रहा है मन कर रहा है कुदा दूं मैं बिल्कुल ही। मतलब अगर आप क्रेटा से कंपेयर करते हो, सेल्टॉस से कंपेयर करते हो, उन दोनों से लाख गुना बेटर सस्पेंशन है इसके, वो मैंने आपको बता दिया। एकदम चलाने में भी पूरी फील आती है, बस ऑटोमेटिक में वही है, आपको थोड़ा सा पंजा अपने हाथ में मतलब थोड़ा सा दबा के रखना पड़ेगा, हल्का धीरे धीरे चलना पड़ेगा तभी ज़्यादा मज़ा आएगा। अगर आप इसको ज़्यादा एक्सकलेट करते हो तो टाइम तो लेती है थोड़ा सा गियर शिफ्टिंग के अंदर। आवाज़ आपको आ रही होगी, तो मारुति के जैपनीज़ इंजन है भाई, और कर्व्स वगैरह पे भी बहुत बढ़िया कर चलते हैं। अभी आप स्पीड देखो, मज़ेदार भाई। और लाइट वगैरह मेरे को तो यार ज़रूरत नहीं लगी भाई। दीपक भाई मतलब लोग कहते हैं कि इसके अंदर फॉग लैंप नहीं दिया, गलत बात है। नहीं नहीं वो तो लाइट ही फॉग नीचे रखा हुआ है ना। हाँ 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 फॉग लैंप की जगह में तो दोनों का काम कर देती है। बिल्कुल हाँ, और जबकि हमारा लो बीम है भी, हाई बीम भी नहीं है। हाई बीम भी कर लेंगे ना तो भी वो ट्राई सिटी के अंदर चल रहे हैं तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाओ, हाई बीम पे मत चलाओ इसलिए। तो मेरे को तो बढ़िया लग रहा है। यू टर्न ठीक है, बाकी एक यू टर्न लेते हैं यहाँ से फिर। मेरे को तो भाई मज़ा आ गया चलाने में, मेरे को कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं लगी। और इस चीज़ की लुक्स आती है ना भाई रात को, गदर, मतलब रात की लुक्स अगर इसकी देख ली ना बाहर से तो वहीं गाड़ी खरीदने का मन कर जाता है भाई, सच बता रहा हूँ मैं। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो रुको भाई, अभी उतर के मैं आपको दिखाई देता हूँ। अभी आप देख रहे हो कि इसकी लाइट वगैरह बंद कर रखी है, अब ऑन करते ही ऊपर खाली DRL चल रहे हैं, अब इसकी लाइट जला देते हैं। हाँ अब इसकी लाइट जल रही है भाई, थ्रो वगैरह आप देख सकते हो भाई, बिल्कुल एकदम जैसे अभी थोड़ी सी ठंड का मौसम है ना, बहुत बढ़िया तरीके से थ्रो आ रहा है। देखो यहाँ से चालू हो जाता है और पूरा आगे की तरफ, अंधेरा सा ही है इस रोड पे, हालांकि एक दो स्ट्रीट लाइट भी जल रही है, उस हिसाब से बढ़िया है। इंडिकेटर जलाना, जैसे ही आप इंडिकेटर जलाते हो ये आपके इंडिकेटर में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो एक अच्छा है। मैं जानबूझ के टेस्ट ड्राइव थोड़ी सी शाम को लेने आया था कि मेरे को इसकी नाइट की लुक देखनी थी भाई कैसी लगती है। अब पीछे की तरफ आप लुक देखो यार, जीप मेरिडियन फेल कर रखी है इस गाड़ी ने पीछे की लुक्स के हिसाब से। मतलब यार कनेक्टेड जो इसकी टेल लैंप आती है ना, दैट इज़ अल्टीमेट। बाकी जो इसके अंदर जो इसके ये आइस क्यूब से बने होते हैं ना, ये भी बहुत सुंदर लगते हैं भाई देखने के अंदर। ये आपको 3 यहाँ मिल जाते हैं, 3 यहाँ 3 यहाँ, टोटल आपके हो गए 12 इस तरफ 12 उस तरफ, और ये क्या आपकी कनेक्टेड टेल लैम्प। और यहाँ आपको मिल जाता है इंडिकेटर रिवर्स, और ये आपका मिल जाता है रिफ्लेक्टर, जो आपको पीछे से लाइट आएगी तो पता वगैरह लग जाएगा। एक इसकी बूट में भी देख लेते हैं, कोई लाइट वाइट बूट में भी है या नहीं है। तो अभी गाड़ी बंद है, चलो कोई नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ इसका बैक सीट एक्सपीरियंस कैसा है। डोर्स आर हल्के लाइट, चलो भाई नाइट के टाइम में है ना ऐसे ढूंढना नहीं पड़ता कि भाई इसका दरवाज़ा कहाँ है खोलने के लिए। ये देखो ये रहा इसका दरवाज़ा, ऐसे साफ साफ पता लग जाता है, यहाँ से आप उंगली डाल के ऐसे खोल सकते हो और ऐसे अपना बाहर की तरफ उतर भी सकते हो।
तो अल्टीमेट यार अपना बॉटल होल्डर वगैरह सब जगह मिल ही जाता है, पीछे भी एक लीटर की है, ऊपर भी जगह है, मतलब प्रैक्टिकलिटी और अर्गोनॉमिक्स में तो आप इसको बीट कर ही नहीं सकते। बस जो एक मेरे को इसका साइड इफ़ेक्ट लगा वो ये लगा कि इसकी जो बॉडी है, दरवाजे वगैरह हैं, ये थोड़े से हल्के हैं। इसके अलावा मेरे को कोई भी शिकायत है नहीं। 17 इंच के टायर आपको मिल जाते हैं, 225/60R17, और वो भी इतने खूबसूरत डायमंड कट। तो 17 इंच काफ़ी होता है इतनी अच्छी, मतलब इस साइज़ की गाड़ी के लिए परफेक्ट होता है बिल्कुल। यहाँ से अगर आप देखते हो तो नाइट व्यू या फिर नाइट आपको ऐसा एक्सपीरियंस मिलता है, एंड दिस इज़ वेरी सूदिंग यार, मतलब आँखों में बड़ा प्यारा लगता है। कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि तड़कता भड़कता हो या फिर ओवर हो, आँखों में चुभ रहा हो कहीं पे भी, बहुत ही बढ़िया लग रहा है मेरे को वहाँ पे। और ये सब एम्बिएंट लाइट वगैरह तो आपने देख ही ली है, ये देखो यहाँ पे जल रही है अंगूठे के पास, ये मस्त लग रही है। जब अंधेरा हो जाता है ना बिल्कुल ही, तब बहुत गदर लगती है ये चीज़। बाकी यहाँ पे एसी वेंट वगैरह है, अपने आराम से आप बैठ सकते हो। पीछे की तरफ आपको दो टाइप के चार्जिंग मिलते हैं मेरे ख्याल से, एक बी और एक सी। हाँ जी। अरे वाह यार इंटेलिजेंट, एक बी मिल जाता है एक सी। और ये सनरूफ खोलो ना यार, रात हो गई सनरूफ भी नहीं खोल रहे हम, मतलब सनरूफ मत खोलना, खाली आप ये खोल दो एक बार, फिर मैं सनरूफ खोल के देखते हैं कि सच में कितना बड़ा है इसका। अब खोलो आप, ये देखो आप पूरा कर्टन खुल गया है। अब इसकी सनरूफ खोलते हैं, जिसे कहते हैं ना कि भाई मैसिव, जिसमें ये आपका पीछे वाला ग्लास भी पीछे जाता है। अब ये सबसे पीछे होगी भैया। हाँ, ये देखो यार इतनी बड़ी ओपनिंग, यहाँ से लेके वहाँ तक देखो, ये इतनी बड़ी ओपनिंग आपको ग्रैंड विटारा के अंदर मिल रही है। निकली है कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं ओपनिंग है, मैंने तो आज तक किसी भी गाड़ी में इतनी बड़ी ओपनिंग नहीं देखी भाई, सच में। कहीं ना कहीं मारुति यार अपने आप को चेंज कर रही है, अब लोगों की ज़रूरतों को समझ रही है, एंड बहुत बढ़िया भाई। ग्लास ऑफ, ग्लास बंद कर दो भैया आप, ये हम देख रहे थे बस कि कितना खुल रहा है इसका पीछे का ग्लास। और लाइट्स वगैरह की तो कोई कमी है ही नहीं, आप कितनी भी जला लो, लेकिन हैलोजन है, आप अपना बाहर से फिलिप्स के बल्ब लगा लो, किसी के भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, सॉफ्ट आपके ये मिल जाते हैं। बढ़िया भाई, मज़ा आ रहा है गाड़ी के अंदर। तो अगर आप सीट भी देखते हो ना, सीट बेल्ट ये देखो हाइट एडजस्टेबल आपको मिल जाती है, आप ऊपर नीचे कर सकते हो इसको कैसे भी। और जैसा कि अभी अभी मेरे को पता लगता है, साइड के तो यूवी कट वाले आते हैं आपके थोड़े से, और इसमें ऊपर वाला भी आपका यूवी कट वाला मिलता है, हालांकि ब्लैक ग्लास सब में होता है, इसमें आपको यूवी कट भी मिल जाता है, तो वो बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। और ये देखो, ये है मेरे जो आगे भाई बैठे हुए हैं दीपक भाई नेक्सा की तरफ से, उन्होंने अपनी सीट पूरी पीछे कर रखी है, और ये जो आप स्पेस देख रहे हो अल्टीमेट है भाई, और कहीं से भी मेरे को दिक्कत नहीं लगती, तीन बंदे आराम से आ सकते हैं गाड़ी के अंदर, कोई भी इशू नहीं है। और हालांकि अगर आप इसके, इसको ये नीचे क्यों नहीं जा रहा, अच्छा बांधा हुआ है क्या? अच्छा जी, ये भी फीचर है इसका, ऐसे अपने आप नहीं गिरेगा। हाँ, यहाँ पे एक लॉक दे रखा है कि कहीं ऐसा ना हो कि गलती से अपने आप ये गिरता रहे, इसलिए इसको यहाँ पे एक लॉक पे बांधा हुआ है। हालांकि मेरे से खुल नहीं रहा अभी चलती हुई गाड़ी में, चलो कोई नहीं, बट दो कप होल्डर वगैरह सारे मिल जाते हैं आपको इसके अंदर, मिडिल हेडरेस्ट। हाँ हाँ, अब मिलेगा। अच्छा, बहुत ही मुश्किल से मिला भाई, पर मिल गया। हाँ, वो पॉलिथीन लगी हुई है इसलिए टाइम लग गया थोड़ा सा हमको, लेकिन फाइनली मिल ही गया है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये देखो यहाँ पे आर्मरेस्ट, एकदम आर्मरेस्ट बढ़िया है। होंडा की गाड़ियों में, होंडा सिटी वगैरह में आप देखते हो ना, तो ये जो आपका आर्मरेस्ट है पूरा नीचे टच हो जाता है, तो ऐसे टेढ़ा होकर बैठना पड़ता है, बट यहाँ पे एकदम परफेक्ट पोजिशन पे है। ओवरऑल यार मेरे को तो मजा आया गाड़ी में। निखिल, चलाने में कैसी लगी? बढ़िया। पहले अगर मतलब तू इनिशियल कुछ इंप्रेशन लेके आया होगा। मैं वो लेके आया था, मैंने पहले वाली ब्रेजर चलाई थी, एमटी में आती थी। हाँ। वो यूं स्लो स्लो झटके जैसे हमने सेंट्रो चलाई थी। ये सीवीटी है यार, इसमें कहां झटके है, इसमें झटके टॉर्क कन्वर्टर है, सॉरी ये टॉर्क कन्वर्टर है। टॉर्क कन्वर्टर और सीवीटी तो बहुत बढ़िया होते हैं, एमटी के झटके अलग होते हैं। एमटी के झटके तो अलग, इन्होंने यही सीवीटी देके बहुत, मतलब ये टॉर्क कन्वर्टर, हां टॉर्क कन्वर्टर ये वाला बहुत बढ़िया करे। और दूसरी सस्पेंशन कैसे लगे तेरे को? सस्पेंशन सॉफ्ट है, अच्छे हैं। देख क्रेटा सेल्टोस दोनों चला रखे हमने, दोनों से बेटर है। हाँ, बेटर है। और ग्राउंड क्लियरेंस की तो बात ही क्या कहे, थोड़ी सी भाई लगती है कि एसयूवी वाली फीलिंग है इस गाड़ी के अंदर। जो लोग कहते हैं ना कि ये एसयूवी नहीं लगती, कभी भाई चला के देखना इस गाड़ी को, आप एकदम माइंड आपका पूरा बदल जाएगा। अंदर बैठने के बाद जब आप गाड़ी को चलाते हो ना, ऊंची ऊंची सीटिंग सी लगती है आपको, ऐसा लगता है कि आप एसयूवी के अंदर बैठे हुए, ना कि किसी क्रॉसओवर या फिर कोई उसके अंदर। हालांकि मेरे को ये क्रेटा से भी बढ़िया लग रही है, बस वो डीजल इंजन आता नहीं इसके अंदर, तो कोई बात नहीं, हाइब्रिड आ गया उसकी जगह, तो हाइब्रिड इंजन भी इसका किसी दिन हम ट्राई करेंगे, वो हम ट्राई करेंगे या ले ही लेंगे वो देखते हैं। तो अभी इसका ऑन रोड प्राइस क्या है दीपक भाई? अल्फा, हाँ जो हम अभी ड्राइव कर रहे हैं, 18,29,000।
वैल्यू फॉर मनी है भाई, टॉप मॉडल है। ऑटोमेटिक की बात कर रहे हो आप? नहीं, मैनुअल। और ऑटोमेटिक में? ऑटोमेटिक ये 20 लाख में आएगी। 20 लाख की ऑटोमेटिक जो हम चला रहे हैं अभी। 20 लाख में ऑटोमेटिक टॉप मॉडल आपको नॉर्मल वाले इंजन के साथ। जिसको चाहिए हो भाई अपना नेक्सा में आगे ले लेना, दीपक भाई आपको मिलेंगे सेक्टर 3 के यहाँ पे। सेक्टर 3 के यहाँ पे आपको दीपक भाई मिलेंगे। NSIT के सामने, जिसको नहीं पता NSIT मेरा कॉलेज है भाई, मैं यहीं से ग्रेजुएटेड हूँ। अच्छा, तो बिल्कुल इसी के, हाँ इसी के सामने इनके नेक्सा का शोरूम है, वहाँ आपको दीपक भाई मिलेंगे। नंबर वगैरह आ रहा है, आप बढ़िया देख सकते हो। और इसकी रियर लुक भाई, अभी आगे जा रही है ग्रैंड विटारा, थोड़ा सा दिखाई नहीं देगा, दूर है, ऐसा लगता है जीप मेरिडियन नहीं जा रही हो, कहीं से भी ग्रैंड विटारा नहीं लगती है। देखो ये जा रही है। अच्छा, आप ही गाड़ी है भी? तो मजेदार यार। अगर आप बात करते हो बूट स्पेस की, तो वो भी एक बार चेकआउट कर लेते हैं। ये आपका माइल्ड हाइब्रिड वाला वेरिएंट है, तो इसके अंदर आपको मिल जाती है 373 लीटर ऑफ बूट स्पेस, जो कि सफिशिएंट है बट लेस देन क्रेटा एंड सेल्टॉस। और अगर आप बात करते हो इसकी माइल्ड हाइब्रिड वाले, वो सॉरी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाले की, तो उसमें मिल जाता है आपको 265 लीटर ऑफ बूट स्पेस, क्योंकि उसके अंदर एक ट्विस्ट है, यहाँ पे आपका बैटरी पैक आता है जो आपको थोड़ा सा बूट को स्पेस को घेर लेता है। लेकिन इसके अंदर टायर वगैरह आप देख सकते हो, यहाँ से आपको ये भी आपको पूरे 17 इंच ही मिलते हैं शायद अभी। हाँ भाई 17 इंच है, बिल्कुल कोई भी टायर वो स्पेस सेवर नहीं है, पूरे 17 इंच का आपको यहाँ पर मिल जाता है। और ये इसका एक और वेरिएंट मिल जाता है, जो आपको जेटा प्लस के अंदर और अल्फा के साथ साथ भी मिल जाता है, वो है इसका ड्यूअल टोन। तो इसमें आपको ड्यूअल टोन रूफ मिल जाती है विद वाइट कलर, सिल्वर कलर एंड रेड कलर। ये आपको ऐसी बैजिंग मिल जाती है स्मार्ट हाइब्रिड की यहाँ पे। और अगर आप इसका स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड लोगे, तो वहाँ पे इतना बड़ा बड़ा लिखा आ जाएगा ओनली हाइब्रिड। तो अभी भाई राजा की तरह बैठे हुए हैं, पीछे सीट बेल्ट वगैरह कुछ लगा नहीं रखी है, क्योंकि हम नेक्सा की तरफ जा रहे हैं और पहुंच ही गए हैं ऑलमोस्ट। अब मैं आपको बता देता हूं, जो मेरी जो सबसे बड़ी डाउट्स थी कि गाड़ी चलाने के अंदर क्या आपको बोनट वगैरह नजर आता है, हाँ जी आता है। क्या गाड़ी चलाने में आपको सॉफ्ट लगती है ब्रोकन रूट्स के ऊपर, हाँ जी लगती है। स्टेबिलिटी कैसी है, फॉक्सवैगन टाइगन से अगर आप कंपेयर करते हो उससे नीचे है, लेकिन सेल्टोस क्रेटा इन सबसे ऊपर है। अगर आप कॉर्नरिंग चेक करते हो या हाई स्पीड स्टेबिलिटी चेक करते हो, अल्टीमेट है, बहुत बढ़िया है। दूसरी चीज जो मेरे को कन्फ्यूजन थी, नाइट के टाइम पर मेरा ड्राइव एक्सपीरियंस का मतलब यही था कि मैं इसकी हेडलाइट देखना चाहता था कि वो आपको कितनी बढ़िया लगती है चलाने के लिए, मतलब आप उसको जब ऑन करते हो तो ऐसा ना हो कि यार आपका विजन थोड़ा सा ब्लाइंड स्पॉट वगैरह हो रहे हो, काला काला दिख रहा हो और कोई फायदा नहीं हो, क्योंकि इसमें बाद में फिर फॉग लैंप वाली जगह है नहीं लगने के लिए। तो मेरे ये सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं भाई, मजा आ गया। बस एक हाइब्रिड की माइलेज है, वो हम कहीं कभी और देख लेंगे, लेकिन गाड़ी ओवरऑल बहुत बढ़िया लगी भाई। मतलब मारुति ने एक दमदार प्रोडक्ट निकाला है, और मैं एक ऐसा बंदा हूँ जो मारुति की बुराई करता है, बहुत ज़्यादा करता हूँ मैं, और पहली बार मैं कह रहा हूँ कि मारुति की इस गाड़ी के अंदर दमखम है कि वो अच्छी से अच्छी गाड़ी को पीछे छोड़ सकती है।